एलसीएम उसी तरह का, दो दुनी चार, दो ती अच्छे, दो चौके आठ, तीन का तीन में से ही, फिर दो से दो एक कम दो, तीन, दो दुनी चार, तीन में से ही, फिर दो से, अब तीन से इसका गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, दो दुनी चार दुनी आठ त्रिके चौबीस, हमारा एलसीएम क्या आ गया है, चौबीस। इसका एलसीएम क्या है, चौबीस। एचसीएम निकालेंगे, एचसीएम कैसे निकालते हैं, सबका अलग अलग, 12 का अलग से निकालेंगे, 15, 18, 16, मतलब इन सबका अलग अलग निकलता है, और एलसीएम क्या होता है, सबका साथ में निकलता है। तो पहले 12 का निकालेंगे, 2 छक्के 12, 2 तीन छः, 3 एकम 3, 15 का 3 से 3 बचे 15, 5 एकम 5, 18 का 2 नौ 18, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, 16 का 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 12 का क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 1 गुणे 3 गुणे 5, 18 का क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 16 का क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। एचसीएम में क्या करते हैं, हम इसमें से कॉमन लेते हैं, जो सब में होगा वो होगा एचसीएम। तो इसमें कॉमन क्या है, सब में कॉमन सिर्फ 1 है, क्या है, 1। तो 12 15 18 16 इसका एचसीएम क्या होगा, 1। एचसीएम इनका एचसीएम निकालते तो हमारा एचसीएम क्या है, 1, और नीचे का लस लिया तो क्या है, 1/24। आंसर क्या है, 1/24। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी, 1/24। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है,